व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एंटी पार्टिकल्स टाइम में बैकवर्ड कैसे मूव करते हैं। तो इसे बताने के लिए मैं स्पेस टाइम डायग्राम्स की हेल्प लूंगा। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा ओरिजिन है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, और जब हम लोग अप डाउन से अप जा रहे हैं तो हमारे टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमारे टेम्पोरल कोऑर्डिनेट्स और ये हमारे स्पैटियल कोऑर्डिनेट्स। स्पेस टाइम डायग्राम्स की चर्चा मैंने पहले भी कर रखी है। लाइट कोन यानी स्पेशल रिलेटिविटी के जो एक दो वीडियोस हैं उसमें स्पेस टाइम डायग्राम्स के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर रखी है। आपने मिनकोस्की स्पेस पढ़ा होगा, लाइट कोन पढ़ा होगा, ये सब स्पेस टाइम डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग एंटी पार्टिकल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से आगे बढ़कर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हैं, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल रिलेटिविटी के साथ मर्ज किया जाता है। तो हम लोग कुछ रिलेटिविस्टिक फिनोमिनाज को डिस्क्राइब करेंगे इन स्पेस टाइम डायग्राम्स की हेल्प से। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को बतलाने के लिए, प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन को बताने के लिए, स्टेट फंक्शन बताने के लिए। तो सपोज कि हमारा कोई पार्टिकल है साई, जो टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट्स x1 एंड टाइम t1 पर यहाँ है। ये हमारा पार्टिकल है। अब ये टाइम में फॉरवर्ड मूव कर रहा है सपोज। अब इस पॉइंट पर ये हमारा जो साई है वो x2, ये हमारा साई 1 और ये हमारा साई 2, ठीक है। ये दूसरा स्टेट फंक्शन है। ये जो दूसरा स्टेट फंक्शन है ये x2 at t2। अब इस टाइम t2 पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1। अब ये जो पोटेंशियल है इसकी वजह से ये पार्टिकल स्कैटर हो जाएगा और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा स्टेट फंक्शन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा x3 t3 पे। ये साई 1 साई 2 साई 3 सारे साई एक ही पार्टिकल के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करे हैं, बट ये सारे एक ही पार्टिकल के स्टेट फंक्शंस हैं। तो इस पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल था उसकी वजह से हमारे पार्टिकल के स्टेट में कुछ चेंज आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम्स की हेल्प से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंटी पार्टिकल्स टाइम में बैकवर्ड कैसे मूव करते हैं। तो हमारे पास फिर से एक स्पेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि टाइम t1 एंड पोजीशन x1 पर हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब ये टाइम में फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और टाइम t2 पोजीशन x2 पे एक दूसरा पार्टिकल है, साइड 2 इसको ले लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम t2 पे क्या हो रहा है, पेयर क्रिएशन हो रहा है। अब ये जो पेयर क्रिएशन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो टाइम में फॉरवर्ड जा रहा है, और जो हमारा पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ यानी कि जो हमारा एंटी पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्शंस दें तो ये डायरेक्शंस हैं,
ये डायरेक्शंस हैं, यहाँ से एक पार्टिकल था ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे एक पेयर क्रिएशन हुआ, यानी एक पार्टिकल बना और एक एंटी पार्टिकल बना। अब जो एंटी पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में टाइम में फॉरवर्ड जा रहा है। टॉपिक में है कि एंटी पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड इन टाइम, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटी पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम। नीचे से ऊपर जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन टू अप देन वी आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन टाइम, है ना। ये इसे एज्यूम करने टाइम ही मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा एंटी पार्टिकल्स इधर जा रहा है और इधर से ये हमारा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे एनिहिलेशन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पार्टिकल साई थ्री एट एक्स थ्री, नहीं साई फोर ले लेते हैं इसको, साई फोर एट एक्स फोर टी फोर, एंड यहाँ पर हमारा एक अलग स्टेट फंक्शन आएगा साई थ्री एट एक्स थ्री टी थ्री, है ना। ये हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहाँ पे एक पेयर क्रिएशन हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर्स में बने, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करने लगे टाइम में फॉरवर्ड जो प्रोड्यूस हुए, और जो पॉजिट्रॉन था वो इस साइड मूव करने लगा जो प्रोड्यूस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन यहाँ पे एनिहिलेट कर गए, यानी कि पेयर एनिहिलेशन हो गया। एनिहिलेशन एंड क्रिएशन हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन साथ में प्रोड्यूस होंगे और एनिहिलेट भी साथ में होंगे। तो ये एनिहिलेशन कौन से टाइम पे हो रहा है, टी थ्री पे हो रहा है, ठीक है। अब टॉपिक का नाम था कि एंटी पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड इन टाइम, लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पर एक क्रिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, पॉजिट्रॉन इधर जा रहा है। अभी तक पिक्चर में हम लोग अपने एंटी पार्टिकल को यानी पॉजिट्रॉन को टाइम में फॉरवर्ड ही मूव करते हुए देख रहे हैं, अभी बैकवर्ड का सीन आया नहीं है, अब आएगा बैकवर्ड का सीन। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये हमारा टाइम कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि स्पैटियल कोऑर्डिनेट, और ये हमारा टाइम कोऑर्डिनेट यानी टेम्पोरल कोऑर्डिनेट। अब इसी डायग्राम में यहाँ पे सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे पेयर क्रिएशन हुआ है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, पॉजिट्रॉन इधर मूव करना चाहिए और ये इधर से यहाँ पे जाके एनिहिलेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि इस पॉजिट्रॉन के जगह पे इसी का एंटी पार्टिकल है, तो हम लोग उसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे क्रिएशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएशन हुआ और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था और पॉजिट्रॉन इधर जा रहा था। अब हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि पॉजिट्रॉन जो हमारा है यानी जो हमारा एंटी पार्टिकल्स है, उसको अगर हम लोग अपने पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखें, यानी इसे अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, है ना, इस डायग्राम में अगर हम लोग बोले कि यहाँ से यहाँ एक पॉजिट्रॉन नहीं जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये वर्ड जब हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हमें यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट करना होगा अपने इलेक्ट्रॉन के लिए। ये हमारा साई थ्री और यहाँ हमारा साई फोर, एकदम सेम दोनों है डायग्राम, सिर्फ इस डायग्राम्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहाँ हमारा पॉजिट्रॉन है वो टाइम में फॉरवर्ड मूव कर रहा है पॉजिट्रॉन, और जब हम लोग पॉजिट्रॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन वर्ड करेंगे यूज़ करेंगे जो कि उसी का एंटी पार्टिकल है, तो हमें यहाँ पे ये मूवमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट देना होगा, ठीक है। अब ऑपोजिट हो गया यानी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हुआ टाइम में बैकवर्ड मूव करना, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स, वी आर नॉट राइटिंग हियर एंटी पार्टिकल्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ पार्टिकल्स लिख रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड
इन टाइम, यानी हम लोग उसे पॉजिट्रॉन की नज़र से नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसे इलेक्ट्रॉन की नज़र से देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर, नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड इन टाइम। अगर हम लोग पार्टिकल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल्स माने तो हमारे लिए पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होगा, और अगर हम लोग पॉजिट्रॉन को अपना पार्टिकल मान लें तो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए एंटी पार्टिकल होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।